नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पाइवट टेबल अप्लाई करने के बाद भी हमारे पास कुछ कुछ प्रॉब्लमें आती हैं जिनका सलूशन हमें नहीं मिल पाता, तो हम उस प्रॉब्लम के बारे में भी बात करेंगे और आपको सलूशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आइए दोस्तों अपने वीडियो की ओर मूव करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला प्रॉब्लम है ये आप देखिए, हमारे पास सीरियल नंबर है, कस्टमर नेम है, कंपनी नेम है एंड रिचार्ज इन 2015 है। यहाँ हम पाइवट अप्लाई करेंगे। इंसर्ट पे गया, पाइवट मैंने एग्जिस्टिंग लोकेशन मैंने यहाँ लिया, ओके किया, राइट। अब हम क्या करेंगे, कस्टमर नेम को हम रो सेक्शन में लेंगे, कंपनी नेम को हम कॉलम सेक्शन में लेंगे एंड रिचार्ज इन 2015 को वैल्यू सेक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास आ गया किस कस्टमर ने किस कंपनी का कितने का रिचार्ज कराया है, राइट। ये डिटेल हमारे पास आ गई। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे एफ वाले कॉलम पे सिर्फ फिल्टर अप्लाई है, बाकी सारे कॉलम पे फिल्टर अप्लाई नहीं है। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है इन सारे कॉलम पे भी फिल्टर अप्लाई करने की। तो हमारी प्रॉब्लम यही है कि अभी आप देखिए, जब मैं कर्सर पे क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ और डेटा पे जाता हूँ, फिल्टर आपका हाईलाइट ही नहीं हो रहा, तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, राइट। तो आप लोग क्या करते हैं, डेटा को कॉपी करते हैं, अलग शीट में ले जाते हैं और फिल्टर अप्लाई करते हैं, राइट। लेकिन आपका काम यहीं हो जाने वाला है, मैं आपको सलूशन इसका प्रोवाइड कर देता हूं। तो चलिए अपने सलूशन की ओर बढ़ते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपना कर्सर जहां तक आपका डेटा है उसके राइट साइड में अपना कर्सर रखना है, राइट। यहां रखने के बाद या तो आप शॉर्टकट की, आपको पता है तो शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप इस फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। आपका फिल्टर अप्लाई हो गया, अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा की सॉर्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों ट्रिक्स पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, डेट है, प्रोडक्ट नेम है और टोटल सेल क्वांटिटी। यहाँ भी मैं पाइवट लगाता हूँ, पाइवट गया, मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट चूज किया, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया और इसको ओके किया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट नेम जैसे मेरा ये है, ये मेरा प्रोडक्ट नेम हो गया, ठीक है। टोटल सेल क्वांटिटी को मैंने ले लिया वैल्यू सेक्शन में, प्रोडक्ट वाइज हमारे पास टोटल सेल आ गई, ठीक है। अब मान लीजिए हमें अगर जानना हो कि कौन सा प्रोडक्ट कितना परसेंटेज सेल हुआ है, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, अलग से परसेंटेज अप्लाई करने लगते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है ना। तो चलिए हम आपको इसका भी सलूशन प्रोवाइड कर देते हैं। आपको करना क्या है, इस वैल्यू पे क्लिक करना है, यहाँ आपको दिखेगा सो वैल्यू एज, इस पे जाना है आपको परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। अब आप देखेंगे हमारे पास परसेंटेज आ चुका है दोस्तों, डेस्कटॉप 44.23%, फ्रिज हमारा 6.97%, वॉशिंग मशीन हमारा 9.9%। तो इस तरह आप इजीली डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको हटाना है फिर आप इस पे क्लिक करिए, सो वैल्यू एज पे आइए, नो कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका हट जाएगा, है ना दोस्तों, अमेजिंग ट्रिक्स। चलिए अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आपने पाइवट को अप्लाई किया, राइट। अब मान लीजिए आप किसी दूसरे शीट में इसको कहीं दूसरी जगह लोकेशन पे ले जाना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करके न्यू शीट में ले जाते हैं या एग्जिस्टिंग मान लीजिए आपको यहाँ ले आना है। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए इस पाइवट को आपको इस शीट में यहाँ पे लेकर आना है, तो आप लोग क्या करते हो, या तो कॉपी करके पेस्ट करते हो, ठीक है, या तो कट करके पेस्ट करते हो, जो भी आप करते हो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हो। तो इसका भी सलूशन चलिए हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आपको करना क्या, इस पाइवट टेबल एनालाइज ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, मूव पाइवट टेबल पर जाना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट इस पर क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस फाइल में आपको ले जाना था तो प्रैक्टिस फाइल पर क्लिक करिए, लोकेशन आप जहाँ भी ले जाना चाहते हैं वहाँ चूज कर लीजिए, मैंने यहाँ कर लिया, ओके कर दीजिए, सिंपल आपका पाइवट टेबल यहाँ आ जाएगा सारा कुछ, है ना दोस्तों, अमेजिंग ट्रिक्स। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पाइवट चार्ट अप्लाई कर दिया, राइट, यहाँ आपने ओके किया और यहाँ आपका आ गया पाइवट चार्ट, राइट। अब मान लीजिए इस पाइवट चार्ट को आप मूव करा के कहीं दूसरी लोकेशन पे ले जाना चाहते हैं, तो आपको कॉपी करके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, फिर से इस पाइवट चार्ट एनालाइज वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ आपको क्या करना है, मूव चार्ट पे क्लिक करना है। तो या तो आप न्यू शीट में कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट इन है तो आप जहाँ भी लोकेशन चूज कर लीजिए, जैसे आपको ले जाना, जैसे एग्जाम्पल टू में, तो एग्जाम्पल टू को सिलेक्ट करिए, ओके करिए, आपका देखिए पाइवट चार्ट यहाँ आ चुका है, तो है ना दोस्तों अमेजिंग ट्रिक्स। तो चलिए आपको एक बोनस ट्रिक्स बता देता हूँ। आपने जैसे पाइवट मैंने यहाँ अप्लाई किया, यहाँ अप्लाई करने के बाद आपको इस पाइवट एवन एनालाइज वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है।
इसमें आपको पाइवट टेबल खुद रिकमेंड करता है, देखिए रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे लेआउट दिखेंगे कि आपको किस टाइप से डेटा में पाइवट टेबल अप्लाई करना है। तो अगर आपको लेआउट पसंद है इसमें से तो कोई भी सिलेक्ट करके ओके करेंगे, उस अकॉर्डिंग पाइवट टेबल अप्लाई हो जाएगा। आप देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लैप्स है ये। तो इसमें देखिए इसमें क्या आ गया, डेस्कटॉप हमारा अंकिता ने सेल किया, मंजू ने सेल किया, क्वांटिटी ये थी, है ना दोस्तों, अमेजिंग ट्रिक्स। तो इसमें आपको पाइवट टेबल खुद से रिकमेंड करता है, यहाँ देखिए इसने खुद से डेटा के ऊपर एनालाइज किया, आपको जो सा अच्छा लगता है उस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।